चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आपके लिए आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है आपके लिए वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। वेग और वेग स्थिरांक में क्या चीज? अंतर। तो इस टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ और देखते हैं कि क्या है इसमें टॉपिक में डिस्कशन क्या होगा। आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है आपके लिए वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। तो वेग और वेग स्थिरांक में अंतर, आपको साउंड बहुत अच्छा सुंदर मिल रहा है, आप ध्यान पूर्वक इसको याद करने की कोशिश करेंगे। लिख तो देंगे ही, आपको पढ़ने भी आता है, लेकिन वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या हो सकता है? वेग यहाँ है और वेग का स्थिरांक यहाँ है, इसको पॉइंट वाइज कर देते हैं। तीन पॉइंट वेग के लिए और तीन पॉइंट वेग स्थिरांक के लिए, समझने में आसान होगा। तो पहला लिखेंगे, पहला वेग के लिए, यह किसी क्षण में, यह किसी क्षण में अभिकारकों के प्रतिफलों में परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है। वेग कहता है कि यह किसी क्षण में, कोई क्षण है, अभिकारक की बात हो तो अभिकारक के प्रतिफलों में परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है। तो ये हो गया वेग का, ये किसका है? वेग का पहला। तो वेग स्थिरांक का क्या होगा? वेग स्थिरांक का पहला पॉइंट आप दो लाइन करके भी खींच सकते हैं और इस तरह से भी खींच सकते हैं, अपना अपना लाइन के लिए खींचे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड पर हम थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा अच्छा स्टाइल में लिखें। दूसरे स्टाइल में यह लिखेंगे, यह वेग नियम अभिव्यंजन में प्रयुक्त एक आनुपातिक स्थिरांक है। ऐसा लिखेंगे। पहला वेग का हुआ पॉइंट, यह किसी क्षण में अभिकारकों के प्रतिफलों में परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है। वेग स्थिरांक क्या है? कि यह वेग नियम अभिव्यंजन में प्रयुक्त एक आनुपातिक स्थिरांक है। पहला पॉइंट यह हो गया वेग और वेग स्थिरांक का, कि यह किसी क्षण में अभिकारकों के प्रतिफलों में परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है, कि किस स्पीड से वह अभिकारक प्रतिफल में कन्वर्ट हुआ। तो ये वेग का पहला पॉइंट। अब यह वेग नियम अभिव्यंजन में प्रयुक्त एक अनुपातिक स्थिरांक है, अनुपात में उसको लेकर चला गया, लिख लिए? यस सर। यस सर। चलिए बहुत सुंदर। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? यह समय के किसी क्षण में अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है
पर निर्भर करता है। पॉइंट ये हुआ, यह समय के किसी क्षण में अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक में क्या सेंटेंस होगा, लिखेंगे कि यह एक विशेष बिंदु पर, यह एक विशेष बिंदु पर, यह एक विशेष बिंदु पर अभिक्रिया के, यह एक विशेष बिंदु पर अभिक्रिया के वेग से, अभिक्रिया के वेग से, अभिक्रिया के वेग से संबंध रखता है, संबंध रखता है, संबंध रखता है, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इस पर निर्भर करेगा तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, तो लिखेंगे अभिकारकों के, अभिकारकों के सांद्रण पर, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि यह समय के किसी क्षण में अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया इसका कि यह विशेष बिंदु पर अभिक्रिया के वेग से संबंध रखता है, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है जबकि दूसरा अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। किसी क्षण की बात उसमें हो रही है लेकिन इसमें एक विशेष बिंदु पर की बात हो रही है। तो डायरेक्ट अलग अलग है, एक निर्भर करता है एक निर्भर नहीं करता है, एक किसी क्षण की बात हो रही है एक विशेष बिंदु पर बात हो रही है। तो धीरे धीरे ये टर्म आपको समझ में आने लगेगा कि हम लोग कैसे इसको लिखेंगे और कैसे इसको याद करेंगे। समझ गए? जी सर। तो ये हो गया आपका, इसमें भी दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि सांद्रण पर निर्भर करता है और ये सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ये किसी भी क्षण, ये एक विशेष बिंदु पर। अब आएगा पॉइंट नंबर, यह समय के किसी क्षण पर निर्भर करता है, यह एक विशेष बिंदु पर और सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो दोनों में अंतर है, तो दोनों का अगर एक भी पॉइंट याद हो जाएगा। अब आएगा तीसरा पॉइंट, कि तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, अभिक्रिया प्रारंभ होने पर, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर यह समय के साथ, यह समय के साथ, यह समय के साथ घटते जाता है, यह समय के साथ क्या होता है, घटते जाता है। यह समय के साथ क्या होता है, घटते जाता है, घटते जाता है। तीसरा पॉइंट है वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या है। तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर यह समय के साथ घटते जाता है, और इसमें क्या होगा, अगर यह अभिक्रिया प्रारंभ हो गया तो इसमें लिखेंगे तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि यह स्थिर रहता है, यह स्थिर रहता है और अभिक्रिया की, और अभिक्रिया की प्रगति पर, अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता।
है। तो अभिक्रिया प्रारंभ होने पर यह समय के साथ घटते जाता है, एक में घटने की बात चल रही है, जबकि यह कहा जा रहा है यह स्थिर रहता है, वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा आपका वेग और वेग स्थिरांक पर, वेग और वेग स्थिरांक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत सारा बनेगा जो कि आपसे हम लोग बनवाएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी आपसे क्या करेंगे हम लोग बनवाएंगे। तो टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर, समझ गया है। तो ये हो गया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। तो पहली बार आप देख ही रहे हैं कि घट रहा है, निर्भर नहीं करता है, तो इसको एक बार क्या करेंगे आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इस पर क्या करेंगे आप लोग थोड़ा सा टर्म को याद करना है। अभिक्रिया तो पहले से याद है, कहां पर घट रहा है, कहां बढ़ रहा है। अब दसवां टॉपिक का नाम लिखेंगे आप। दसवां टॉपिक का क्या नाम लिखेंगे? अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण, और वेग निर्धारक चरण ऐसा लिखेंगे। अभिक्रिया की क्रियाविधि, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अभिक्रिया को तो आपको पता है कि इसको कहते हैं रिएक्शन, और क्रियाविधि का क्या होगा और वेग निर्धारक का क्या होगा? तो क्रियाविधि का हो जाएगा मैकेनिज्म और रेट डिटरमाइनिंग। तो लिखेंगे मैकेनिज्म यहां लिख देंगे एंड मैकेनिज्म इसका हो गया और इसका हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसका? तो ऑफ द रिएक्शन ये टॉपिक होगा, ऑफ द रिएक्शन। तो अब दसवां पॉइंट चलेगा आपका अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण। तो वेग और वेग स्थिरांक में अंतर आपका समाप्त हो गया। अब टॉपिक आपका चलेगा अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग मैकेनिज्म एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैकेनिज्म का मतलब हो गया क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण का हो गया अंग्रेजी में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसका? तो ऑफ द रिएक्शन का। तो ये टॉपिक आपका दसवां नंबर पॉइंट अभी होगा, समझ गए कि नहीं? तो लिखेंगे दसवां नंबर पॉइंट क्या होगा कि किसी जटिल, कोई जटिल है क्या चीज जटिल? तो कोई जटिल अभिक्रिया है। केमिस्ट्री में कोई कठिन क्या होगा? तो कोई कठिन अभिक्रिया होगा। कोई किसी जटिल अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न चरण होगा, बहुत सारा रिएक्शन हो जाएगा। तो उसी के बारे में कहा गया कि किसी जटिल अभिक्रिया के विभिन्न चरणों में से सबसे मंद वेग से होने वाला चरण संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। ये है आपका
किसी जटिल अभिक्रिया, कोई जटिल अभिक्रिया की बात करें कि विभिन्न चरणों में से सबसे मंद वेग से होने वाला चरण, चर्चा हो रहा है किसका, तो सबसे मंद वेग से होने वाला चरण संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। क्यों करता है तो लिखेंगे, क्योंकि अभिक्रिया के, क्योंकि अभिक्रिया के किसी भी, क्योंकि अभिक्रिया के किसी भी चरण का वेग, क्योंकि अभिक्रिया के किसी भी चरण का वेग, चरण का वेग सबसे मंद चरण, सबसे मंद चरण के वेग से, के वेग से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, फुल स्टॉप। किसी जटिल अभिक्रिया के विभिन्न चरणों में से सबसे मंद वेग से होने वाला चरण संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस यही रहेगा, क्योंकि अभिक्रिया के किसी भी चरण का वेग सबसे मंद चरण के वेग से अधिक नहीं हो सकता। सर हाँ, नंदनी का कनेक्ट हो गया। किसी जटिल अभिक्रिया के विभिन्न चरणों में से सबसे मंद वेग से होने वाला चरण संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, क्योंकि अभिक्रिया के किसी भी चरण का वेग सबसे मंद चरण के वेग से अधिक नहीं हो सकता। लिख लिए, इसी कारण जटिल अभिक्रिया, दिख रहा है आप लोग को साफ साफ, इसी कारण जटिल अभिक्रिया में सबसे, जटिल अभिक्रिया में सबसे मंद वेग से होने वाला चरण वेग निर्धारक चरण कहलाता है। ये हुआ, इसी कारण जटिल अभिक्रिया में सबसे मंद वेग से होने वाला चरण वेग निर्धारक चरण कहलाता है। अब इसका बिना उदाहरण दिए हुए तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हमें आपको क्या करना होगा, इसका, इन सभी का उदाहरण भी देना होगा। समझ गए, तो आइए उदाहरण अब पेश करते हैं। बिना उदाहरण का तो केमिस्ट्री में समझना दिक्कत है, तो आइए उदाहरण लिख लिए। यस सर। एक बार लिखना, एक बार पढ़ना, एक बार सुनाना, फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस बनाना, फिर बोर्ड का क्वेश्चंस बनाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहना, यही है प्रक्रिया इसको याद करने का। उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में ए नंबर में अगर लिखा जाए अभिक्रिया, एक अभिक्रिया उदाहरण में लिख देते हैं कि अगर अभिक्रिया आपके पास है N2O और इधर बन गया N2 और प्लस O2, बैलेंस आप लोग कर दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिए थोड़ा, 2N2O कर दिए, हो गया टोटल बैलेंस। यस सर। चलिए एक बोल दीजिए यस सर, आप बोलिए दूसरा, नो 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 आई एम साइड में 2O2 कर दें। यस सर, नो मैं 2N2। अब देखिए 2N2 2O2 भी कर दें, 2N2 भी कर दें, ये लो साइड में चलो, तो क्या लगाइए, ओ तो बट 2 दिया सर, 2N2 सर, O2 क्या करें, O2 ऐसे रहने, तो देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। चलिए अब क्या करें,
एन टू के पास लगाइए ना सर। अब हो गया। तो इस तरह से आप लोग बैलेंस करेंगे। कभी कभी हल्का से हल्का क्वेश्चन आपका गलत होगा। 2N2O क्योंकि लाइफ में ये हमको लगता है पहली बार कर रहे होंगे बैलेंस, कि पहले कभी किए थे जिंदगी में? किए हैं सर, लेकिन बहुत लोग पहली बार कर रहे होंगे। ऐसा नहीं रिएक्शन दूसरा किए होंगे, यही पार्टिकुलर किए, ये बात रिएक्शन अलग था। यस सर, हाँ रिएक्शन अलग होगा। कभी कभी ऐसा होता है, ये तो है बहुत सारा काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब काम आपका। तो अभिक्रिया 2N2O, 2N2 प्लस O2 के लिए लिखेंगे, के लिए प्रयोग द्वारा इसका वेग समीकरण निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? निम्नलिखित पाया गया है, नीचे लिखा हुआ। हाँ, तो नीचे हम अभी लिखेंगे, वेग बराबर के और ब्रैकेट में एन टू इस प्रकार से लिखेंगे। लिखे K और बड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिए N2O, वेग बराबर। लिखे? Yes, sir. K बराबर लिख दिए N2O, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी A में ही हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि मंद वेग इससे स्पष्ट होता है कि मंद वेग से होने वाले चरण में N2O का इससे स्पष्ट होता है कि मंद वेग से होने वाले चरण में N2O का सिर्फ एक अणु शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि मंद वेग से होने वाले चरण में N2O का सिर्फ एक अणु शामिल है। इसको भी हम अच्छा से समझाएंगे अभी। इससे स्पष्ट होता है कि मंद वेग में लिख लिए N2O का सिर्फ एक अणु शामिल है, अतः इस अभिक्रिया के लिए निम्नांकित का मतलब क्या होता है, या निम्नलिखित ही लिख दीजिए, निम्नलिखित क्रियाविधि संभव है। संभव कैसे है तो लिखिए, N2O एक एरो बनाएंगे प्रोडक्ट की तरफ, यहां लिखेंगे N2 प्लस O और इसके ऊपर लिख देंगे मंद। अपने मन से कुछ भी नहीं होगा, जो प्रैक्टिकली किया गया उसको किताब में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि आप अपना रिसर्च कर देंगे किताब पर ही। N2O प्लस ओ, इसको लिख देंगे तीव्र, N2 प्लस O2। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या होगा, ये N2O और ये N2O कितना हो जाएगा, 2N2O, ये O और ये O क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2N2 प्लस O2। लिख लिए। तो एक में मंद है और एक में तीव्र है, N2O दो भाग में टूटा, N2 प्लस O, फिर इस N2O को O मिला तीव्र गति में और ये बना N2 प्लस O2। ये पहला हो गया उदाहरण। एक और उदाहरण देंगे, एक किसी का छूट नहीं रहा है,
सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना? जी सर। ये ए हो गया N2O। एक आध को और एग्जाम्पल से समझ में और थोड़ा बहुत लिखने की क्षमता बढ़ेगी। बी में क्या होगा कि अगर हम लिख दें NO2 प्लस F2, प्रोडक्ट में होगा NO2F। बैलेंस करके बताइए कैसे बैलेंस होगा। आप लोग थोड़ा बैलेंस कर दीजिए। लाइव ठीक चल रहा है? लाइव में साउंड ठीक आ रहा था? आप लोग जो लाइव लिख रहे हैं साउंड आ रहा था उसमें? कोई बताएंगे? चलिए बैलेंस कर दीजिए थोड़ा। प्रोडक्ट में सर लगा दीजिए 2। प्रोडक्ट में लगा देते हैं 2। और शुरू वाले जो लिखे हैं उसमें भी 2 लगा दीजिए। क्या NO2 के बगल में देख लीजिए आप लोग, बैलेंस हो गया। 2 को नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 2, हो गया अनबैलेंस। चलिए अब इसमें लिखेंगे प्रयोग में क्या पाया गया। तो प्रयोग द्वारा पाया गया है कि इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब हो गया कि हम नीचे भी लिखेंगे या कॉपी में जब लिखा जाएगा तो निम्नलिखित है। वेग बराबर लिखेंगे के और बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे इधर वाला NO2 और यहां लिखेंगे F2। तो NO2 ऐसा लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुना, फिर बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसमें लिखेंगे F2 ऐसा। के बड़ी ब्रैकेट में NO2 इंटू बड़ी ब्रैकेट में F2। तो पहले लिखना सीख लें, उसके बाद आपको हम बोलना भी सिखाएंगे कैसे इसको बोलना है, क्या बोलना है। चलिए साउंड आ रही है ना? मिटा देना। अब इसको इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? इस क्रियाविधि अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात चल रही है, टॉपिक भी वही है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या हो सकती है? निम्नलिखित हो सकती है, संभावना रहता है, ऐसा नहीं कि 100%। कैसे होगा? NO2 और प्लस F2, प्रोडक्ट में लिखेंगे NO2F प्लस F, ऐसा होगा। और फिर वही जैसे ऑक्सीजन की बात किए थे NO2 और प्लस यहाँ F फिर कर दीजिए, ये होगा यहाँ पर तीव्र, इसके ऊपर वाला क्या होगा? मंद। तो 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखने का तरीका क्या है होना चाहिए। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा? F और F क्या होगा? कैंसिल, 2NO2, प्रोडक्ट में लिखेंगे आप 2NO2, क्या चीज? F, लिख लिए। और 2 एग्जांपल के बाद आपको समझने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। लिख लिए।
लिख लिए आप लोग? यस सर लिख लिए। तो ये हो गया बी नंबर। एक और लिखिए सी नंबर, जिससे कि आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, उससे क्वेश्चंस बनेगा। तो लिखेंगे सी, 2a और प्लस बी अगर हो और यहाँ पर क्या हो, प्रतिफल। अभी तुरंत 2a पर दो क्वेश्चन दो बताए हैं ना। तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित दो चरणों में पूरी होती है। कैसे कैसे अभी तुरंत आपको बताए हैं। a प्लस बी प्रोडक्ट में बना दीजिए ए बी, समझ गए। और ए बी अगर पहले ही होगा और प्लस ए अगर होगा तो यहां पर होगा प्रतिफल। लिख लीजिए। यस सर। लिखे सभी लोग? लिख लिए। यस सर लिख लिए। नहीं सर। 2a प्लस बी प्रोडक्ट के तरफ प्रतिफल लिखेंगे। प्रोडक्ट को ही हम लोग हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। लिख लिए। इसको समीकरण एक कर दीजिए और इसको समीकरण दो कर दीजिए। इसको दो कर दीजिएगा, पहला वाला को एक और दूसरे वाले को दो, और इसको कर दीजिएगा तीव्र और इसको कर दीजिएगा मंद। दूसरे को मंद कर दीजिए और पहले वाले को तीव्र कर दीजिए। लिख लिए समीकरण बना दिए। समीकरण लिख दिए, तीव्र मंद भी लिख दिए। हाँ सर लिख लिए। चलिए अब लिखेंगे। अतः यदि चरण द्वारा संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निर्धारित होगा, इसलिए वेग बराबर के लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी और फिर गुना और बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे ए और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आज फर्स्ट डे है, पहले लिखते जाएं, इसको हम समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, याद भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनवाएंगे, ऑटोमेटिक सब अच्छे तरीके से याद होता जाएगा। क्या हुआ? लगातार घर में भी बातचीत चल रहा। ऑनलाइन पढ़ाने का क्या मतलब है कि घर का भी काम सब निपटा दें? अतः यदि चरण द्वारा संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निर्धारित होगा तो वेग बराबर के बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी और फिर गुना बड़ी ब्रैकेट में ए लिखेंगे कैपिटल ए। लिख लिए। अब लिखेंगे चूंकि बड़ी ब्रैकेट को हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पढ़ते हैं, वो हम टर्म बता देंगे कैसे पढ़ना है उसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, वो आसान है बोलना लेकिन पहले लिखना सीख लें। चूंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण द्वारा ही व्यक्त होना चाहिए
चूंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण द्वारा ही क्या होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। लिख लिए, अभिक्रिया का वेग किसके द्वारा व्यक्त होना चाहिए, तो अभिकारकों के सांद्रण द्वारा ही व्यक्त होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल जैसे ही बनवाएंगे आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। चूंकि अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों के सांद्रण द्वारा ही व्यक्त होना चाहिए, अतः इस अभिक्रिया के वेग में बड़ी ब्रैकेट में जो ए बी लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, इसको पढ़ेंगे, समझ गए। ए बी के स्थान पर बड़ी ब्रैकेट में ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। लिख लीजिए बड़ी ब्रैकेट को, धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, आप बोल सकते हैं सांद्रण ए, सांद्रण बी, ए का सांद्रण, बी का सांद्रण। अतः इस अभिक्रिया के वेग में कंसंट्रेशन ऑफ ए बी के स्थान पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी होना चाहिए। लिख लिए, समीकरण एक से, यूट्यूब से देख रहा है, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या है, के बराबर, क्योंकि वेग स्थिरांक भी हम पढ़ रहे हैं, तो के बराबर बड़ी ब्रैकेट में ए बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जहां के क्या है, ये के क्या है, तो लिखेंगे जहां के बराबर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया का साम स्थिरांक। लिख लिए जी सर। या ऐसा भी लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट में ए बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ भी, इधर उधर वाला इधर चला आएगा, हो सकता है ना। अब तो मैथमेटिक्स के अनुसार चलेगा, तो अभिक्रिया का वेग बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर पावर दो लिखेंगे इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लिख लीजिए, लिख लीजिए जी सर। सभी लोग लिख लिए, किसी का छूटा भी? ये बताइए, किसी का छूटा नहीं है? हो गया सर। किसी का छूटा भी? यहाँ लिख लेंगे के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी, ऐसा लिख लेंगे, जहां के डैश बराबर के और के लिख लेंगे। लिख लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, 9 पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर दिए, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझना भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कैसा पूछा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस प्रकार से आंसर लिखना है, क्वेश्चन इसमें क्या पूछा रहेगा वही रहेगा,
सिर्फ क्वेश्चन इसमें बना दिया जाएगा। 11वां में जो डिस्कस हम करेंगे आपके साथ, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स। क्या थे? फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम आपसे पूछेंगे कि पिछला जो टॉपिक था, 10 टॉपिक का नाम आप पहले याद करेंगे कि हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो 10 टॉपिक पढ़े इसमें से किसका सॉल्यूशन आपका बन सकता है। अब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी बनवाना शुरू कर देंगे। दूसरा पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, याद रखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, हम पूछेंगे उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का हिंदी क्या होगा, अभिक्रिया के वेग। अब फैक्टर्स गवर्निंग का मतलब क्या होगा, तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले क्या चीज, कारक, क्या चीज, तो प्रभावित करने वाले कारक। तो ये टॉपिक हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप अच्छी तरह से, अब एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस बनाने लायक आप हो गए हैं क्योंकि 3 से 4 क्लास आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाने लायक हो गए हैं, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से बनवाया जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आप जितना क्वेश्चंस बनाएंगे ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जैसे ही बनाएंगे, आपको पता चलने लगेगा कि हम क्या पढ़े और क्या लिखना है, समझ गए कि नहीं। Yes, कौन कौन है जो समझ गए? समझ गए सर। समझ गए।